हैं, जीएसटी जिस दिन लागू होगी इस देश के अंदर, उस जीएसटी के माध्यम से देश की ग्रोथ बढ़ेगी, देश के अंदर विकास की सीमा भी बढ़ेगी। और जीएसटी के प्रति जो भ्रांतियाँ, मुझे लगता है जब भी जीएसटी लागू होगी एक आध महीने के अंदर वो सब भ्रांतियाँ दूर होगी, देश की जनता जीएसटी का समर्थन भी करेगी। पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लागू करने के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा कदम है और सारा इकोनॉमिक ढांचा इससे बदले। अगर कोई व्यापारी या किसी भाई बंधु को किसी प्रकार की दिक्कत है टैक्स सरलीकरण में, टैक्स रिफॉर्म्स भरने में, और इस प्रक्रिया में अगर किसी को कोई भी दिक्कत और आपत्ति है तो जीएसटी की काउंसिल उसको निश्चित रूप से दूर करेगी। जीएसटी जिस दिन देश के अंदर लागू हो जाएगा उस दिन हर आदमी महंगाई, हर व्यक्ति को महंगाई खा जाएगी उस समय। अगर कपड़े पर जीएसटी लगा के 5% टैक्स लगा दिया गया उससे लगभग जयपुर के तो कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख आदमी प्रभावित होंगे। और मोदी जी की जो भावना है कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, वो भ्रष्टाचार फैलेगा। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जीएसटी से मकसद क्या हल होगा, वो मकसद क्या ठीक से हो पाएंगे, सवाल इन बातों पर आकर ठहर जाते हैं। हरीश मल्होत्रा साहब, फर्नीचर कारोबारी भी इसी सिलसिले में हड़ताल पर है, उनका क्या तर्क है जीएसटी को लेकर विरोध किया? सर, फर्नीचर पे तो सरकार ने बहुत लंबी मार की है। फर्नीचर पहले 14.5% पे था, अब उसको 28% शेम डाल दिया गया है। जबकि मोदी जी या आपके जीएसटी काउंसिल शुरू से कहते हैं कि लग्जरियस आइटम ही सिर्फ फर्नीचर में जाएंगे। अब देखिए 200 रुपये का स्टूल, एक स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए टेबल खरीदता है 400 रुपये की, 500 रुपये की, अब 400 रुपये की टेबल पर 56 रुपये टैक्स देगा बेचारा, वैसे लिमिटेड पैसे घर से आता है पढ़ाई करने के लिए। तो हम तो सरकार से कहते हैं भाई अब टैक्स, अब उन्होंने तर्क देते हैं कि सब 1.5 करोड़ से ऊपर पहले एक्साइज 12% 2% कुछ और टैक्स था, 31% में 28 कर दिया। लेकिन जो एक्साइज थी वो हिंदुस्तान को 4 या 5 घरानों में लगती थी। एक आम आदमी जो छोटी मोटे उद्योग चला करके फर्नीचर बनाता है, 28% देना उसके लिए बहुत बहुत बड़ा भार है। और मैं कहता हूँ एक आदमी बेड बनाने के लिए सामान लेके आता है, टुकड़े बच जाते हैं, छोटे मोटे आइटम बना लेता है कि चल इसके मेरी लागत कम हो जाएगी, लेकिन अब वो छोटे टुकड़े बेच रहा है उसके लिए बहुत बड़ा भार हो जाएगा। अब से जो 100 रुपये 150 200 रुपये स्टूल है, चौकी है, 50 रुपये की चौकी है, उस पर 28% टैक्स कहाँ का वाजिब है? मैं कहता हूँ सरकार को अगर इस पर 28 ही लेना है ना तो इसमें स्लैब तय कर दे कि भाई इतने रुपये से ऊपर फर्नीचर पर 28 लगे, बाकी 12% लगे। कम से कम आम जनता के तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और इसमें इसके जो जीएसटी के प्रारूप है उसमें इतनी ज्यादा विषमता है, मेरे साथ कोई सीए बैठे, सरकार का योग्य आदि बैठे तो मैं उसको बताऊं, वो समझ जाएगा कि वास्तव के अंदर ये जनता के साथ। पंकज जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीए भी हैं और वित्तीय मामलों को समझते भी हैं। पंकज जी, जटिलताएं हैं आपको लगता है ऐसा, जिनको व्यापारी नहीं समझ पा रहे और विरोध इतने बड़े स्तर पर हो रहा है? नहीं देखिए अश्विनी जी, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये जो है स्वाभाविक भी था कि जो आपका जो टैक्स सिस्टम जो है 50 सालों से 70 सालों से चल रहा है, आप उसको जब चेंज करेंगे, जब चीज़ कोई नई आएगी तो देखिए उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही जो डिफरेंट है या बिल्कुल ही बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ आ गई कि जो समझ से बहुत दूर है। सारी चीज़ें, एक जो डर है वो जरूर हो सकता है कि डर हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतनी सारी जो हैं कॉन्फ्रेंसेज हुई, इतनी सारी सेमिनार्स हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई, उनमें लगातार इन चीज़ों पर किया जा रहा है कि भाई आपका जो चीज़ें हैं उनका एक रिकॉर्ड जो है वो आपको प्रॉपर रखना है। बाकी इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि साहब किसी पर टैक्सेज, क्योंकि जो भी टैक्सेज हैं वो सब कंज्यूमर को देने हैं। प्रॉफिट मार्जिन में कहीं वो नहीं है कि इससे कोई आप सोच रहे हैं कि बेसिकली कंजम्पशन इससे कम हो जाएगा या कंजम्पशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल में देखिए ये चीज़ डर बिल्कुल जो है भ्रम है। जिस तरीके की कंजम्पशन थ्योरी है वो बढ़ेंगी इन चीज़ के अलावा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो जो कंज्यूमर है, जो चीज़ लोग हैं, वो कम से कम इन चीज़ों पर होगा कि उसको जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उचित मूल्य पर, उचित जगह पर मिल जाए और इस चीज़ को सही रहे। तो मेरे ख्याल में इनमें कहीं वो जो है, और कोई चीज़ होगी तो भी जो है जीएसटी काउंसिल को इसलिए बनाया गया कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई चीज ऐसी आती है या लगती आती है तो वो जो कंप्लेंट्स आएंगी, वो जो चीजें होंगी उनको हमेशा वो रिव्यू करने के लिए तैयार कि उनमें क्या क्या चीजें होंगी। तो ये जो चीजें मेरे ख्याल में अब तक का जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इसको न केवल बेसिकली डर है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, ये डर कहां से आ गया? नहीं देखिए, भ्रष्टाचार को तो रोकने के लिए सब कुछ है। देखिए आज के हालात ये थे कि जिस तरीके के, जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, जब आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जब आप चीजों को नहीं कर रहे हैं, अभी जैसे लोग कह रहे हैं तैयारियां पूरी तरह से थी नहीं और सरकार आ गई और इस चक्कर में ही व्यापार पैदा कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं। 37 रिटर्न, देखिए आप जिस तरीके से, मैं कह रहा हूं आज उनके पास था 37 रिटर्न, देखिए 37 रिटर्न नहीं है
टोटल बेसिकली 12 रिटर्न हैं, 12 रिटर्न से अपने 70 देखिए वो सब 70 पेज भरने पड़ेंगे, 12 रिटर्न हैं, पेज कितने होंगे ये तो व्यापार के ऊपर होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, पेज कितने होंगे व्यापार के ऊपर होगा, क्योंकि 70 फॉर्म भरने पड़ेंगे, वो 12 जो बेसिकली बिल जो है लगेगा टैक्स जो बेसिकली है कंज्यूमर पर, वो जो हम क्यों हड़ताल कर रहे हैं, सवाल ये हमारी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, व्यापारी हड़ताल हमारे पर टैक्स नहीं रख रहा, फिर हम हड़ताल सब मैं आ रहा हूँ, अर्चना जी और पंकज जी को समझाइए आप, अर्चना जी कह रही हैं जीएसटी के पक्ष में तो है लेकिन जो तरीका है उसको लेकर दरअसल ना इत्तेफाक है। अश्विनी जी अगर अब ये कह रहे हैं कि हम भ्रम फैला रहे हैं, हम तो भ्रम फैला ही नहीं रहे, भ्रमित तो आप खुद हो, मैंने आपको बताया ना वित्त मंत्री का परसों का स्टेटमेंट है ये, मैंने खुद ने पढ़ा भी और सुना भी, वो खुद इस चीज से अनभिज्ञ है कि जब ये ऊंट जाएगा घुसेगा हमारी अर्थव्यवस्था में तो कौन सी करवट बैठेगा उनको खुद को अंदाजा नहीं है। अच्छा देखिए पंकज जी आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 40% ऑफ GDP जिससे प्रभावित हुई वो सब तो इस पूरे रूब्रिक से बाहर है, इसको स्वीकार करिए, फिर आप कहते हो साहब इंटरनेशनली हमको इस तरह से करना है इसलिए हमारे लिए आवश्यक था, तो फिर आप एक लेयर्ड रेजिम क्यों नहीं लेकर के, आपने बहुत सारी चीजों को अलग रखा, जब उनको अलग रखा तो फिर एक मैं छोटी सी मूलभूत चीज बताती हूँ कि आप कहते हैं साहब बिंदी आलता मेहंदी ये तो टैक्स फ्री कर दिया क्योंकि हम सिंबोलिज्म में विश्वास करते हैं, महिलाओं को फर्स्ट उसमें देखते हैं कि महिला के लिए आवश्यक है, ये पुरुष की प्रवृत्ति है कि उसके लिए चीज़ें आवश्यक, लेकिन उस महिला के लिए सैनिटरी पैड भी उतना ही आवश्यक है, फिर एक तरफ सैनिटेशन को हाइजीन को बढ़ावा देते हैं उस पर 12% टैक्स लगा दिया आपने, अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सेसिबल ही नहीं होगा, फिर आप आ जाइए मेडिसिन पे उससे 5% नॉर्मल मेडिसिन पे 18% आपने लगा दिया, एक मिनट सर्जिकल आइटम से 5% 18% मेडिसिन पे और सप्लीमेंट्स पर 28%। अब एक गरीब आदमी जो बीमार होता है उसको भी वही सप्लीमेंट चाहिए और एक अमीर व्यक्ति उसको भी चाहिए, तो अमीर तो एक्सेस करेगा गरीब नहीं कर पाएगा, तो ये सारी दुविधा आप जीएसटी काउंसिल फ्लेक्सिबल है तो इनकी बात सुन ले, अर्चना जी को बता दूं, अर्चना जी देखिए मैं कह रहा हूं आपको क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको प्राइसिंग पॉलिसी जो है बेसिकली मेडिसिन की ध्यान नहीं है, प्राइसिंग पॉलिसी में जो मेडिसिन की है मेडिसिन पर टैक्स नहीं है, मैं इतना डेप्थ में एक दर्शक के लिहाज से नहीं जाना चाहता, वो नहीं समझ पाएगा, वो 5 साल 10 साल आप एक दर्शक को इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं कि जीएसटी के जरिए जटिलता खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, व्यापारी और कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि सवाल इन्हीं बातों को लेकर अश्विनी जी बिल्कुल मुमकिन है, अभी इन्होंने कहा कि जो चीजें थी, देखिए इन्होंने कहा कि जो लोगों को भ्रम है इन चीजों का, मैं आपको एक एक चीज में कि देखिए रिटर्न्स की जो बात थी है ना, आपको खाली पूरे महीने के अंदर मुश्किल से जो है टोटल मैक्सिमम लगेंगे तो आधा घंटे का इंटरनेट चाहिए, हाफ एन आवर का, जो आपको सारे के सारे जो बिल्स आपके पूरे महीने के आए वो बिल उस तारीख तक आप जो है उसको चढ़ा दीजिए और उसकी बेसिकली आप एक रिपोर्ट जो है वो आप जनरेट कर दीजिए जो बेसिकली उसमें फिक्स है, उसके बाद जो जनरेट मुताबिक सेफ जोन से निकलना यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, व्यापारी अब तक जिस फिक्र के साथ काम नहीं करता था वो फिक्र अब आ जाएगी, ये जरूर है, देखिए आज मैं चाहता हूँ कि बेसिकली कि मेरे एक बार अजमेर का रुख सुन लेते हैं, अजमेर के व्यापारी को एक साल बात करना, जय सिंह कोठारी साहब का रुख करना चाहूंगा मैं, अजमेर प्रियंक को सुन लेते हैं एक बार जी। कपड़े पर 5% GST लगाने को लेकर कपड़ा व्यापारों में खासी नाराजगी है और इसी नाराजगी को लेकर तीन दिवसीय जो प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर अजमेर के अंदर बंद रखे गए, पूरे ज़िले में जो है कपड़ा व्यापारियों की 3 दिन की हड़ताल है। हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं अजमेर व्यापार वस्त्र व्यापार संघ के महासंघ के कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है और इससे GST से होने वाला नुकसान क्या है। आपको हिंदुस्तान के अंदर 70 साल के अंतराल में आज तक भी कपड़े पे टैक्स नहीं लगा है, कपड़े पे जो टैक्स लगाया गया वो न्यायोचित नहीं है, कपड़े के व्यापारी हिंदुस्तान में जो कृषि के बाद में अगर रोज़गार का साधन है तो कपड़ा ही एक ऐसा साधन है जिसमें अशिक्षित लोग भी व्यापार करते हैं, ये जो GST सिस्टम जो है ये ऑनलाइन कंप्यूटराइज ये सब व्यापारी करने में असमर्थ है, इसलिए कपड़े का व्यापार जो है बहुत मतलब पेचीदियों से भरा है और दूसरी बात इसने जो कानून काला कानून लगाया है इससे कतई व्यापारी इसके विरोध में खड़ा है और 27, 28, 29 को पूरा संपूर्ण भारत इसके विरोध में बंद हुआ है। आप क्या इस तरह हम लोग कपड़े के व्यापारी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ व्यापारी होते हैं, सिर्फ मीटर और कैंची लेके कपड़ा काटने में विश्वास रखते हैं और गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर इस तरह के छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी, उनको कंप्यूटराइज में सारा सेटअप करना और रिटर्न भरना बड़ा मुश्किल काम होगा, इसलिए हम सवाल हर जगह से उठकर आ रहे हैं। जयसिंह कोठारी साहब ये सवाल क्यों है, व्यापारी समझना नहीं चाहता या फिर व्यापारी जिस सिस्टम में ढल चुका है उसमें कहीं ना कहीं जो गुंजाइश ढूंढते हैं वो अपने पे चलना चाहता है, वो कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं चाहता,
जिससे इनडिसिप्लिन से अब तक रहा है, केवल प्रोडक्शन, आने वाला जो समय है वो प्रोडक्टिविटी का है, प्रोडक्टिविटी पे उस पर निगाह नहीं है। ये कह रहे हैं कि इससे चीज़ें महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो आपका इम्पोर्ट आपको खा जाएगा, आप इसलिए महंगी हो ही नहीं सकती, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। एक नई चुनौती सिस्टम में आएगी, दुनिया के साथ चलना है तो प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है उसमें, प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं। वो जीएसटी ये चीज़ करेगा कि आपको प्रोडक्टिविटी का पार्ट पढ़ाएगा। सर एक बात बताए, अभी पंकज जी ने कहा कि साहब टेस्ट कंज्यूमर देगा, 10,000 का बैट पहले बेचता था कस्टमर को तो 1450 पर देने पड़ते थे, अब उसको 2800 रुपये देने पड़ेंगे, तो मतलब मिलेगी तो महंगाई ना। आप इसकी भावना को समझो, क्योंकि ये हमारा जो पर्यावरण को जो दूषित करने का है, जंगल काटने का है, इसलिए वो लकड़ी के जो यूज है उसको डिस्करेज करना चाहते हैं, मतलब उस पे ज्यादा टैक्स। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पाया। नहीं नहीं बनाना चाहिए हमारा सुरेंद्र जी, हमारा कहने का मतलब जिस तरह से कई चीजों को जीरो स्लैब जीएसटी में रखा गया है, जो कि आम आवश्यकता की चीज है, आम आदमी की जरूरत की चीज है, उसी तरह से कपड़ा भी आम आदमी की जरूरत की चीज है, इसको जीरो जीएसटी स्लैब में रखा जाए। कपड़े से ज्यादा आपको एक छोटी सी बात में कहना चाहता हूँ, जब पंकज जी कह रहे हैं, कोठारी साहब कह रहे हैं कि मुझे एक बात समझाइए, क्या जो गली में फेरी वाला कपड़े बेचता है उस पर भी ये टैक्स लग जाएगा? नहीं आएगा, लगेगा। ये कोठारी साहब कह रहे हैं नहीं लगेगा, गरीब तक तो पहुंच उसकी है, गरीब तक तो पहुंच उसकी है, कपड़े का थान वो लेकर बेच रहा है, अगर उसके पास बिल नहीं है तो उसको कभी भी पकड़ा जा सकता है, उसको बिल साथ में रखना पड़ेगा। वो भी विरोध का एक बड़ा कारण है कि पेनल्टी की जगह आप सजा का प्रावधान लाएगा ना, वो भी तो खरीद के लाएगा, हमसे लेगा टैक्स देगा राजस्थान में 2,00,000 कपड़ा व्यापारी अपना कारोबार बंद करके बैठे हैं, अपना घाटा खा रहे हैं, किस लिए? आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई कन्वेंस नहीं है। हर कंज्यूमर दुकान पे आता है, वो गालियां देता है, वो कहता है क्या सरकार आ गया। कोठारी साहब क्यों आप ना इत्तेफाकी रख रहे हैं? नहीं, मैं ना इत्तेफाकी इसलिए रख रहा हूँ कि इसको कोई भी सरकार आ जाए, चाहे एक दो महीना डेफर हो जाए, लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना हमारी सरकार का कमिटमेंट है। नहीं है तो हम दुनिया से थोड़े टाइम में अलग हो जाएंगे। आप हमारे पेट्रोल हमारा बंद हो जाएगा, कई चीजें इम्प्लीकेशन है। आपको फिर से मौका दूंगा जी। कोठारी साहब जो बोल रहे हैं अर्थशास्त्री नजरिए से बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आपने टैक्स डेस्टिनेशन कर दिया, कंज्यूमर से आप ले रहे हो, तो परचेजिंग कैपेसिटी तो उसकी बड़ी नहीं, पीपीपी तो आपकी स्टैग्नेंट है इस समय, उसकी क्रय शक्ति बढ़ी नहीं, उसके लिए रोजगार सृजन हुआ नहीं, उसके इंक्रीमेंट्स हुए नहीं, तो ऐसे में वो कहाँ जाकर के इतना टैक्स देके वो खरीद? ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कि हम गौण समझ रहे नहीं, लेकिन सुनिए अश्विनी जी, एक महत्वपूर्ण बात और है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं ग्लोबली एसेंशियल था, तो भाई ग्लोबली एसेंशियल था तो विश्व की सबसे बड़ी चाइना के बाद की जनसंख्या पर इतने बड़े टैक्स स्लैब्स आप लेकर आए, ये व्यापारी क्यों सड़कों पर है, उसका कारण है। जब आप 5 टैक्स स्लैब देते हो तो हर व्यापारी सोचता है मुझे न्यूनतम स्लैब में क्यों नहीं रखा, ताकि मेरा और मेरे नहीं सर, लेकिन उसमें कपड़ा रेवेन्यू कहां से लाएगी? सरकार की रेवेन्यू की बात नहीं है, उधार लेगी तो भी कपड़े में है, ठीक है, 1,000 की कीमत से ऊपर तय किया गया, फर्नीचर में ऐसा नहीं है। पंकज जी जवाब दीजिए छोटे से, मैं मुझे आ रहा हूँ बोलने दीजिए। अश्विनी जी मैंने कहा ना कि देखिए 28% टैक्सेस ज्यादातर वो है, आज कपड़ा है, कपड़े में आजकल आपको वो चीजें खत्म हो गई कि जो लोग घर में से काट करके आप सोचे कि बना करके घर पे कपड़ा आ जाएंगे, खत्म हो गई, क्योंकि जितनी भी जो चीजें हैं वो एक्साइज के दायरे के अंदर हैं। की बात हुई है, ग्रामीण तबके की बात हुई है, मैं आ रहा हूं, गांव में बिजली नहीं आती, देखिए मैं आपको ही कह रहा हूँ ना कि टोटल हाफ एन आवर चाहिए, और गांव के अंदर जो अभी कोठारी साहब ने कहा कि वहां जो लोगों की सेल्स हैं वो 20,00,000 से, आज आप देखिए उनके आप रिटर्न्स देखेंगे तो उनकी सेल 4-4 लाख 3-3 लाख है। आज आप क्या सोचते हैं कि 3-4 लाख की सेल जो है एक साल में जीएसटी आने से 20,00,000 क्रॉस कर जाएगी? आप देखिए ना एक बार रिकॉर्ड तो देखिए, लेकिन आज कौन से बात कर रहा है फिर? नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए विरोध तो देखिए अश्विनी जी, विरोध तो आप एसोसिएशन में हैं, आप एसोसिएशन में हैं तो उसका चाहे छोटा आदमी हो या चाहे बड़ा हो या जो कोई बड़ा हो, वो सबको जो है देखिए उसको भी आज जो चीज बताई जा रही है। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप भी तो बता रहे हैं सर, आप भी तो बता रहे हैं, लेकिन आपकी बात से कन्विंस नहीं है। नहीं मैं आपको, पार्टी पूरे प्रचार कर रही है। नहीं प्रचार कर रही ना पार्टी लगातार पार्टी प्रचार कर रही है, उसके बाद सरकार ने बहुत साफ साफ कहा है कि जितनी मेकाल में सेमिनार हुई है
हैं, जिन चीजों की हुई है आज तक भी, जो बेसिकली सबसे बड़ी जो चीज होती है, जो कड़ी होती है, चाहे चार्टर्स हो, चाहे बेसिकली उनके बैंकर्स हो, क्योंकि सबके जो है जो बिजनेसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं मैं एक चीज का बिजनेस करता हूं, लेकिन मैं करीबन करीबन 40 चीजों का रिव्यू वाला सवाल है, मैं उसको लेकर आना चाहूंगा। ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं आखिरी दौर में, चर्चा जारी है, आपका जवाब ब्रेक के बाद। इसके कारण काफी व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि इस पर कई प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं, किसी पे 18%, किसी पे 5%, किसी पे 12%। तो किसी पे पहले 5% था तो उसका 12 कर दिया, तो किसी पे क्या था, तो किसी को एक तो समझ में नहीं आ रहा। और हमारे जो कपड़े पे जो टैक्स लगाया है, पहले कभी टैक्स था ही नहीं 70 वर्षों से आज तक। कपड़े पे टैक्स लगाना एकदम मंदी की ओर ले जाना है और अनुचित है, और इससे लगभग 50% दुकानें गांवों में और छोटे कस्बों में बंद होने की संभावना लग रही है। जीएसटी की जरों का वादों से ज्यादा निराकरण किया हुआ है। सरकार ने कहा था कि हम कपड़े पर से बिल्कुल जीएसटी हटा देंगे और कपड़ा व्यापारियों को खुश रखेंगे, हमारे साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। और ये अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारा आंदोलन अभी 3 दिन तक बंद है, इसके पश्चात अनिश्चितकालीन कपड़े का व्यापार बंद रखा जाएगा।